केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नवादा के हिसुआ में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार और बिहार की महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शाह ने कहा कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। जातिवाद का जहर घोलने वाले और जंगल राज के प्रेरणा लालू यादव के साथ किसी कीमत पर राजनीतिक सफर तय नहीं करेगी। अमित शाह ने कहा है कि बिहार महागठबंधन की सरकार अपने ही वजन से गिर जाएगी और बीजेपी के कमल की सरकार खिलने वाली है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर पंचायत में कॉपरेटिव डेयरी बनाने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। और साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा है कि यहाँ पर सीएम को प्रधानमंत्री बनना है और लालू के बेटे तेजस्वी को सीएम बनना है, लेकिन प्रधानमंत्री की जगह खाली नहीं है। तीसरी बार भी मोदी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई। सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं। मैं वहां नहीं जा पाया। मैं सासाराम की जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, मैं सासाराम जरूर आऊंगा। मेरे अगले दौरे में सासाराम में ही महान सम्राट अशोक की स्मृति में एक सम्मेलन करने का काम हम करेंगे। ये सरकार है बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड सरकार है, भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेड सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। बिहार में, बंगाल में, किसी भी देश के किसी भी राज्य में कभी हमने तजिया पर कोई पत्थर फेंका, कभी फेंका? अगर नहीं फेंका तो हमारे तजिया पर, हमने नहीं फेंका आपके तजिया पर, हमारे हनुमान जी के, हमारे रामचंद्र भगवान के राम जन्मभूमि उत्सव में आखिर पथराव क्यों आपके बगल नालंदा में? इसका जवाब आपको देना होगा। देंगे जवाब? जवाब देंगे? कभी सोचा था कि देश में राम मंदिर भी बनेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बनेगा? कभी सोचा था कि बनारस में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनेगा? बनेगा? सोचा था केदारनाथ का कॉरिडोर बनेगा, महाकाल का कॉरिडोर बनेगा? अगर नहीं बने तो ये सांस्कृतिक उत्थान अगर भारत में हुआ तो माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में हुआ।